बरेली में बंदरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और बड़ी घटना सामने आई है, बताएंगे आगे। गाड़ी पर फर्जी विधायक का पास लगवाकर घूमने वाला युवक गिरफ्तार हुआ है। इसके अलावा बीडीए ने एक और कॉलोनी पर बुलडोजर चला दिया है। क्या है पूरी खबर, बुलेटिन में आगे बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। अब खबरें विस्तार से। बरेली में बंदरों के हमले में एक मासूम बच्चे की मौत के बाद अब बदायूं में बंदरों ने एक महिला को अपना निशाना बनाया है। एक सप्ताह पहले बंदरों के हमले में छत से गिरकर घायल हुई महिला की इलाज के दौरान अलीगढ़ में मौत हो गई। परिवार वाले शव लेकर आए और अंत्येष्टि कर दी। महिला की मृत्यु से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। नगर के मोहल्ला सैफुल्लागंज निवासी सोमेंद्र की पत्नी रामप्यारी 10 अगस्त को छत पर कपड़े सुखाने गई थी। इसी दौरान बंदरों के झुंड ने उन पर हमला बोल दिया था। बंदरों से बचकर भागने के प्रयास में वे छत से नीचे गिरकर घायल हो गई थी। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक युवक अपनी गाड़ी में सपा के झंडे के साथ विधायक का फर्जी पास लगवाकर घूमता था। नजीब नाम का ये व्यक्ति अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी पर उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो और विधायक लिखवाकर रौब जाड़ता था। फर्जी विधायक की आड़ में ये व्यक्ति खुलकर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन भी करता था, जिसे अब पुलिस ने स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसकी फॉर्च्यूनर को भी जब्त कर लिया है। दरअसल किला थाना क्षेत्र के जखीरा निवासी बदर सुल्तान का बेटा नजीब फॉर्च्यूनर गाड़ी पर यूपी सरकार का लोगो बनवाकर रौब झाड़ता था। नजीब ने गाड़ी पर विधायक भी लिखवा रखा था, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने पुलिस के सीनियर अफसरों से की, जिसके बाद पुलिस ने नजीब को गाड़ी सहित थाने ले जाकर जाँच पड़ताल की। जाँच में जानकारी आई कि नजीब की फॉर्च्यूनर गाड़ी पर जो पास लगवाया है वो फर्जी है, जिसके बाद पुलिस ने नजीब को गिरफ्तार कर लिया है। बीडीए ने कॉलोनाइजरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसके चलते कोई कॉलोनाइजर नई कॉलोनी विकसित नहीं कर पा रहा है। बीडीए की टीम हर दिन बुलडोजर से कॉलोनियों को ध्वस्त कर रही है, मगर इस बार शहर के मिनी बाईपास पर रिटायर्ड कर्नल की अवैध कॉलोनी को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है। इसके साथ ही कार्यवाही भी की गई है, इससे कॉलोनाइजर में हड़कंप मच गया है। बीडीए की प्रवर्तन टीम शहर के मिनी बाईपास रोड पर भारत पेट्रोल पंप के सामने ग्रीन सिटी के पास विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी पर पहुंची। ये कॉलोनी रिटायर्ड कर्नल शौकत अली, उनके दामाद मोहम्मद अली रजा और इंद्रजीत सिंह ने 7000 वर्ग मीटर में विकसित की थी। अवैध कॉलोनी में सड़क, नाली और बाउंड्री वॉल आदि का निर्माण और विकास कार्य किए जा रहे थे। बीडीए टीम ने उपनगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धाराओं के तहत कार्रवाई कर कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान कॉलोनी में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ गई। टीम ने लोगों को हटाया, मगर इसमें काफी लोग वही थे जिन्होंने कॉलोनी में प्लॉट खरीद रखे थे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में केंद्रीय विद्यालय फर्स्ट आया है। जाट रेजिमेंट सेंटर बरेली कैंट के प्राथमिक विभाग में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आरंभ प्राचार्य केएल किशोर ने किया। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में छोटे छोटे बच्चे भगवान श्री कृष्ण और राधा की वेशभूषा धारण किए हुए थे। सभी बच्चे बहुत ही सुंदर लग रहे थे। राधा कृष्ण की वेशभूषा में सजे बच्चों को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका कल्पना विधुड़ी ने किया। प्रधानाध्यापक एनपी सिंह गंगवार ने सभी शिक्षकों और अभिभावकों को धन्यवाद दिया। बरेली में दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग किशोरी को पुलिस ने आरोपी युवक के घर ही भिजवा दिया। वहां 4 दिन उसे और हैवानियत का शिकार होना पड़ा। बुधवार को पीड़िता के पिता ने बरेली जाकर अफसरों से शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता को आरोपी के घर से वापस लाकर उसके पिता को सौंप दिया। एक गांव की किशोरी 13 अगस्त को खेत पर चारा काटने गई थी, जहां गांव के ही एक युवक ने उसे गन्ने के खेत में खींचकर दुष्कर्म किया था। किशोरी के पिता के मुताबिक उन्होंने बेटी के साथ थाने जाकर दुष्कर्म की तहरीर दी, तो पुलिस ने उसे बदलवाकर सिर्फ छेड़खानी में तब्दील करा दिया। इसके बावजूद रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और गाँव में पंचायत कराकर आरोपी को लड़की से निकाह करने की हिदायत देकर उसे उसी के घर भिजवा दिया। किशोरी के पिता का आरोप है कि इसके बाद आरोपी 4 दिन और उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म करता रहा। अयोध्या धाम के राम जन्म भूमि से जुड़े प्रख्यात संत महंत दिलीप दास महाराज राम मंदिर के निर्माण और गंगा गोमती नदी के पुनर्जीवित करने के अभियान पर बात करने के लिए बरेली पहुंचे थे। बरेली के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने इस विषय पर चर्चा की। जिस भगवान राम का दिव्य भव्य नव्य मंदिर राम जन्म भूमि पर बन रहा है, हमको ये लग रहा है कि देश में इसीलिए अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि राम मंदिर निर्माण 500 वर्षों का हमारा सपना था, जिसमें हमारे देश के तमाम हमारे पूर्वजों ने अपने आप को बलिदान दिया, अपनी आहुति दी। ये सपना उनके समक्ष साकार नहीं हो पाया, लेकिन आज देश की इस
75वीं वर्षगांठ के समय भगवान राम का दिव्य मंदिर बन रहा है, इसलिए देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और इस अमृत महोत्सव के रूप में जो हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया, इसके लिए मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देता हूँ। ये बधाई के पात्र हैं, कम से कम इन्होंने तिरंगे के लिए लोगों के अंदर प्रेम तो जगा। बाकी तुम्हारे झंडा बट गया है, सभी लोग अपने अपने झंडे की बात करें, सभी लोग अपना अपना ध्वज लेकर के अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं, लेकिन एक बार पूरा देश और सभी राजनीतिक दल के लोग तिरंगा हाथ में पकड़ करके आए, हमको लगा यही अमृत काल है और यही अमृत महोत्सव है। बरेली के थाना द्वरनिया क्षेत्र के अंदर हुई लूट की घटना की जांच कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 79,000 रुपए नगद, एक सैमसंग टैबलेट, एक तमंचा, 315 बोर का एक जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल HF DLX बरामद की गई है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि हम दोनों आपस में दोस्त हैं। अभियुक्त सचिवेंद्र उर्फ सरजू ने बताया कि भारत फाइनेंस का कर्मचारी संतोष गंगवार मेरे गांव में समूह के पैसे हर बुधवार को लेने आता था। मुझे और मेरे साथी हरविंदर उर्फ बब्बू को संतोष के आने जाने वाले रास्ते की जानकारी थी। इस समूह से मेरी पत्नी रीता और माता शकुंतला देवी भी जुड़ी हुई थी, जिसके वजह से मैं संतोष को आते जाते पैसे ले जाते हुए देखा करता था। मुझे और मेरे साथी हरविंदर उर्फ बब्बू को कारोबार और उधारी चुकाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। पैसों को देखकर मुझे लालच आ गया और मैंने अपने साथी हरविंदर को लूटने के संबंध में बताया तो मेरा साथी पैसे लूटने को तैयार हो गया। हम दोनों ने 10 अगस्त को संतोष गंगवार का मोटरसाइकिल से पीछा किया, फिर बांस भोज गांव से निकलकर नदी किनारे संतोष कुमार की मोटरसाइकिल रोककर तमंचे से डरा धमका कर एक बैग ले लिया। बैग में कंपनी टैप, बायोमेट्रिक स्कैनर, समूह के 86,000 रुपए और जेब से मोबाइल मिले, जिसे छीन कर वे भाग गए थे। आज के बरेली बुलेटिन में बस इतना ही। बरेली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दालीजर हिंदी के साथ। हमारा ऐप भी आ गया है तो हमारे ऐप दालीजर हिंदी को जरूर डाउनलोड करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। हाय एवरीवन, मैं हूं जसलीन मथारू, द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ। मुझे बेपनाह प्यार और स्नेह देने वालों से मेरी गुजारिश है कि आप लीडर हिंदी के चैनल को सब्सक्राइब करें और गूगल प्ले स्टोर में जाकर द लीडर हिंदी का ऐप डाउनलोड भी करें।